सम्मान समारोह अनुराग ठाकुर जी के सचेतक बनने के रूप में आज किया गया। हम धन्यवादी हैं प्रधानमंत्री जी के कि जो हिमाचल को उन्होंने गौरव दिया, अनुराग ठाकुर सिंह जी को जो सचेतक के रूप में लोकसभा में इनको नियुक्त किया गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के लिए है। एक 272 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत के लोकसभा में बैठते हैं, उनके ऊपर सचेतक के रूप में काम करना, कोई बिहिप जारी करना पार्टी की तरफ से, भाई और बहनों को छोटा औहदा नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं उनके ऊपर कमांड करने की अगर जिम्मेवारी दी है तो आदरणीय मोदी जी ने दी है। हम धन्यवादी हैं मोदी जी के जो अनुराग ठाकुर जी ने अपना नाम कोई जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, इन्होंने अगर नाम कमाया तो विदेश में भी अनुराग ठाकुर का नाम कमाता है। हमारे यहाँ की जनता लगातार वर्षों वर्षों तक साथ में खड़ी रही। मैं यही कहूंगा भाई और बहनों, ये पहचान मेरी नहीं, ये पहचान आपने मुझे दिलाई है। इसका श्रेय किसी को जाता है तो आप सबको जाता है। आपके कारण ही हमीरपुर का नाम देश और दुनिया में पहुंचा पाया। आखिर मुझे ये जिम्मेदारी क्यों दी गई? लेकिन 18 तारीख से लेकर आज तक आपने 2 हफ्ते अगर संसद के देखे होंगे और इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक कांग्रेस और विपक्षी दलों ने संसद को नहीं चलने दिया था। हमने 18 तारीख से लेकर आज तक एक दिन भी पार्लियामेंट को स्थगित नहीं होने दिया, संसद की कार्रवाई को समाप्त कर दिया। जो विपक्षी दलों ने पिछली बार हमें चुनौती दी थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, मोदी सरकार को गिराएंगे, अरे जो अपनी आंखों में सपना लेकर चले थे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनको 126 मत नहीं मिल पाए और हम 350 मत लेकर देश को एक बार फिर दिखाया। 330 मत भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस 126 पे निपट गई, गठबंधन दलों के साथ निपट गई। ये अपने आप में स्पष्ट संकेत देता है कि 2014 भी देश की जनता ने जिताया था, 2019 में भी 300 सीटों से मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।